गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने एस जी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। आवाज़ सुन रही होगी ना, कैसी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। टाइम हो गया 6 बज गए। इस टाइम यही आवाज़ आती है सारी रात ना, इसी तरह की जंगल में से यहाँ को। और आज ये अंग्रेज़ों वाली बिल्डिंग दिखाती हूँ आपको ना, सारी बैक कैमरे से दिखाऊंगी, यूँ नहीं दिखेंगी। जितनी भी बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ों के टाइम की है। उधर से स्टार्ट करती हूँ मैं, गेट के पास। गेट तो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, नज़दीक से ही करती हूँ कि पीछे की तरफ फिर जाकर ज़्यादा पेड़े हैं तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का है उधर तक, और नीचे हमारा वो है, वो सारा करती हूँ। चलो बैक कैमरे से लाती हूँ। तो अंग्रेज़ किस लिए रहते थे, क्यों, किस तरह के बना के रखा करते यहाँ पर, उनके स्ट्रक्चर देखो, उन्होंने किस तरह का बनाया हुआ है। और यूँ देखो ना, 1857 के 1947 से पहले की हैं ये वे। अंग्रेज़ कब आए थे? 1947 में तो जा लिए थे, देश आज़ाद हो गया था, तो उससे पहले की ये बिल्डिंग है। इनको मेनटेन करके रखना बिल्कुल यूँ की यूँ पड़ी है। तो कितनी बिल्डिंग यहाँ यहाँ बनी हुई हैं, पीसफुल जगह पर किस तरह रहते थे अंग्रेज़। उन चीज़ों को यूँ देखो कितनी शांति है। गोरिया ने जगह तो कल वाली वीडियो में भी बता रही थी, मैं आज भी बता रही हूँ, गोरिया ने जगह बड़ी ऐसे अच्छी चूज कर रखी है जहाँ भी इन्होंने करी हुई है, शांति वाली और ठंड वाली बिल्कुल। कितनी ठंड है, तो चलो लाते हैं वहाँ से बनाते। इस एरिया में भी हम रह रहे हैं ना, मैं ये इधर ज़्यादा इधर आ गई वहाँ से, क्यों सुबह सुबह जंगली जानवरों का फिर वो होता है ना। तो ये बिल्डिंग है सारी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, अंग्रेज़ों के टाइम में स्ट्रक्चर लग रहा होगा। ये थोड़ा है एंट्री गेट और पीछे रह जाओ है, वो है ये इधर कैंटीन बनाई हुई है। ऐसी जगहों पर रहते थे ना अंग्रेज, बिल्कुल ही यूँ ठंडी। और इधर से घुमा दूँ मैं, इतनी अच्छी वैली है ये, गोरे जगह तो बढ़िया ढूंढ रहे थे। और ये एक बिल्डिंग ये है, क्यों उनके टाइम की हर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, इसी तरह भी देख लो न, उससे पता लग जाएगा हाँ भाई उस टाइम की है, क्रांति से पहले 47 से पहले की है ये, देश आज़ाद हुआ था जब से पहले की है बिल्डिंग बनी हुई है। इधर को हमारा ये है रहने का, रहने का देख लो चाहे ये कोई भी एक क्वार्टर से जो भी बने हुए हैं रूम, ये इसी तरह इनका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है। गाड़ी अड़ी हुई आगे से दिखाती हूँ, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर इन्होंने ना, बिल्कुल जैसे अंग्रेजों जैसे हम मूवियों में देखा करते हैं ना, उसी तरह के हैं ये। नीचे जाऊँगी फिर नीचे की तरफ से और दिखाऊँगी। एक ये इधर रही, यो इनका ऑफिस है एग्रीकल्चर वालों का ना, इस तरह इनका हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर का है उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर है यो। वो तो आते हरियाणा के भी काफ़ी आए रहे हैं, करनाल से जो एग्रीकल्चर वाले हैं रोड काफ़ी आते हैं, आज भी खड़ी हैं 2 गाड़ियां। तो पर मैं ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, क्या कमाल की चीज़ें गोरिया ने बनाई हुई है। ऊपर देखो ना बीम से, क्या वो देखो ऊपर क्या वहाँ बनाए हुए हैं। एक बार तो यूँ लगा था टंकी है, पर पिलर से क्या खड़े कर रखे हैं। ऊपर से दिखा ले आई थी मैं, अब ये नीचे ब्लॉक बी का हमारा लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से दो तरफ से है इसमें उतरने का। यहाँ तो स्लाइडिंग में जिस तरह स्कूटी वगैरह जा सकती है छोटा मोटा व्हीकल, तो ये हमारे रहने के क्वार्टर, ये सारा स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों का है जो भी खड़ा कराया हुआ है, जो हम मूविया में देखा करते हैं ना कमरे हैं उनके बने हुआ करते, उसी हिसाब से रूम बनाए हुए हैं। ये देखें ये रूम है, खिड़कियाँ के जैसे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, खिड़की के सामने दरवाज़ा है रूम का। ये हमारा रूम है, इधर ब्लॉक बनाए हुए हैं ऐसे, ब्लॉक ए बी सी डी। उधर डाइनिंग रूम है आगे की तरफ,
आज लोग काफी आए हुए हैं। दिखाने के बाद सुबह का फिर हिल्स का दिखा दूं। इस छोटी भैयों की बर्फ दिखती है जितनी भी है सर्दियों में। सारी बिल्डिंग दिखा दी है, अब मैं सैर कर रही हूँ। यही को खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग अपना सुबह सुबह सैर, और क्लिपे निकालने लग रहे हैं, वीडियो बनाने लग रहे हैं। सैर के लिए इससे बढ़िया जगह कुछ हो नहीं सकती। बल्कि मैं बच्चा न गाँव थे हमने ऑक्सीजन भर लो वहाँ तो दो दिन हो गए, ना लाइट ना पानी, इन्वर्टर ख़त्म हो रहे हैं। कल से हमने भी बता रहे थे हमारा तो यहाँ सब कुछ हो लिया, खंभे टूटे फटे तूफान में। पर हमने आज यहाँ से छोड़ना है और कहीं शिफ्ट हो और कहीं जावाँगे आगे, देखते हैं फिर। कहाँ बुक करवा रखे हैं पहले ही, तो फिर देखते हैं। दो तीन दिन तो बहुत है यहाँ, यहाँ ना थोड़ी थोड़ी देर बार मौसम चेंज होता है। जैसे मैं आई थी ना 6:10 पर, आज मैं लेट आई थी, मैं सनराइज तो दिखा दिया था, तो जब इतना तेज़ धूप निकली हुई थी, अब 6:30 होने वाले थे, अब हो गया मंदा मंदा, बादल है अड़ के। जैसे कल भी यहाँ बारिश थी, परसों भी बारिश थी, तो इस ग्रीनरी के कारण, पहाड़ों के कारण रोज़ ही डेली ही दिन में को कई बार चेंज हो जाए मौसम। अब छुप के सूर्य महाराज बिल्कुल हल्के हो गए हैं, और यहाँ से जो देखा ना वो गांव से बसे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैमरा में वो चीज़ आती नहीं, कितना ही जूम कर लेते हैं। फैमिलियाँ की चल रही है सेल्फी, हमारी होली थी, हम तो दो दिन से करने ही लग रहे हैं, जो नए आए हैं कल वो लेने लग रहे हैं। बिल्डिंगा दूर खड़े खड़े हो गए अंग्रेजा वाली दूर, जैसे उधर एप्पल गार्डन का दिखा रही थी मैं, डे क्या हुआ था, ये भी कोई फ्रूट का है मेरे ख्याल से, एप्पल ही होगा। नेट डे क्या हुआ है, फल लगा हुआ है इस पौधे का सारा, एप्पल है या क्या है, नज़दीक से दिखाती हूँ। एक वो बिल्कुल नीचे दिखने लग रहे हैं पौधे, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद नेट डले हुए, वो भी एप्पल के पौधे लगा रहे हैं। गांव है ये कोई, रात को लाइटें जल रही थी, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सफ़ेद सा आ रहा है, जाली सी नेट सा लगा हुआ पौधे का ऊपर को। मैं तो काफ़ी ऊंचाई पर खड़ी हुई है, नीचे है जूम करके दिखा रही हूँ। पेड़ों के बीच में को थोड़ा दिखाई दे रहा है, वैसे तो दिख रहा है कैमरे में को, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरे में को, थोड़ा ही आ रहा है, वैसे नॉर्मली तो दिख रहा है। हम ये एप्पल गार्डन है, ये भी सेब के पेड़ लगे हुए हैं, ज़्यादातर सेब वाले ही पर डालते हैं ये, क्या आलू बुखारे वो तो पक लिए ना। पौना घंटा होगी सर, यहाँ की तो उतरना चढ़ना है वो ही काफ़ी होती है। अब चलने रूम में चाहिए, टाइम हो गया 9:30 होने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करा है, अपने बैग पैक कर लिए, ये अगला डेस्टिनेशन रहेगा आज रात का, आगे जाकर ना अब देखते हैं कहाँ रहेगा। यहाँ वाला बढ़िया रहा, सरकारी भी था अच्छा भी था, रूम भी अच्छा था, काफ़ी बड़ा रूम है अगर मैं दिखा देती तो, पर बच्चे हैं, सारी फैसिलिटी। तुम गवर्नमेंट में रहना चाहते, पर जिन लोगों ने पता है रह रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ काफ़ी आए हुए हैं, फ्रेश चीज़ें खाने ने मिला है, जब भी ब्रेकफास्ट हुआ डिनर हुआ, लंच में तो चल कोई रहता नहीं दिन में, सब निकल जाते हैं घूमने के लिए, नहीं ब्रेकफास्ट में डिनर में तो सब होते हैं, सब यहीं आकर कर रहे हैं, कितना ही घूम फिर क्या, बाहर का खा लो, पर खाते सही वही हैं अपना, रोटी सब्जी दाल अच्छी, दो दो सब्जियां रात को बनाते हैं, अच्छा है सरकारी ना, लोकेशन अच्छी है, व्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्राइवेट है यहाँ तो, दो दिन के इतने नहीं लागे, दो रात आएंगे और इतने लागे भी नहीं, आ गए के रात के ज़्यादा है अगले प्राइवेट है तो इसलिए आ गए के रात का है, वहाँ बुक नहीं होया इलेक्शन के कारण, थे तो वहाँ भी गवर्नमेंट ही करवाने के चक्कर में, इलेक्शन वाले ने बुक करवाए हुए हैं वहाँ सारे, एक गवर्नमेंट बुक हो गया एक प्राइवेट में रह के, देख लेते हैं, मिलेंगे आगे फिर। शिमला का जाखू मंदिर, हनुमान बजरंग बली, सबसे ऊंचाई पर सबसे बड़ा हनुमान का मूर्ति स्थापित करी हुई है, एक बार मंदिर के दर्शन कर लें फिर दिखाते हैं। मंदिर के दर्शन अच्छे हो गए जाखू मंदिर शिमला में, भीड़ देख लो कितनी हो रही है, एक घंटा लग गया लाइन में ना, फिर दिखा देती हूँ, और बजरंग बली की फोटो आते ही भी दिखाई थी और अब फिर दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर है। ये शिमला है, देख लो कैसे घर बने हुए हैं, किस तरह हैं।
पहाड़ियाँ पर। यो तो एक तरफ की एक साइड दिखाई जा रही है, बीच में कोई होटल है ज़्यादा, ब्याह गाड़ी पार्किंग है रोड, सारे होटल नहीं है, जितने माल रोड के आसपास को मिलेंगे सारे होटल। और वह दिखने लग रही हैं बिल्डिंग है, रात को इनमें लाइट जलन जो बड़े सुंदर लगे आकर, वो भी दिखावाएंगे। वहाँ गए थे भैया जाखू मंदिर, भोरे हनुमान जी की मूर्ति भोरे स्थापित इतनी ऊँचाई पर, सारा शिमला देख जाता वहाँ से, उसके पास से देखे ना यूँ गई हूँ। यहाँ से यूँ लगा बस सीधा ही है, पर बहुत दूर पड़ता है चढ़ाई पर। यह शिमला का व्यू, आज तो शिमला ही शिमला का दिखेगा माल रोड पर से, माल रोड पर को घूम रहे हैं, यही है बस यहाँ घूमने की। शिमला में तो एक जाखू मंदिर है, एक माल रोड है बस, और वैली दिए दिखने लग रहे हैं घर तो, किस तरह पहाड़ों में रहना है तो मुश्किल। ये माल रोड ही है जिसमें घूम रहे हैं, और का फ्रंट का व्यू, जितने नज़दीक आते जा रहे हैं यूँ लगा हनुमान जी के पास ही आते जा रहे हैं, जाखू मंदिर के पास ही। कितनी ग्रीनरी है वहाँ ऊपर जाकर, फिर शाम में फिर दिखाऊंगी मॉल रोड का, यहीं घूमना बादल से हो गया ना। शिमला का व्यू, रात का व्यू दिखाती हूँ लाइटों का, इस तरह कितने अच्छे लगे हैं यूँ, मकानों में लाइटें जली हुई, यहाँ नज़दीक है इसलिए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ दूर थे दिखाई नहीं दे रखी थी ना लाइटें जली हुई, सुंदर लगती हैं ये। यो माल रोड का हाल है रात का, ये 8 बजे यूँ मेला लगा रहा है यहाँ पर। हिमाचल में शिमला में ये चीज़ देखी ना, लोग गले में चैन डाल डाल के यूँ चल रहे हैं, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, हरियाणा में तो सैर भी नहीं कर सकते, यहाँ कोई चैन नहीं, चैन वाला कुछ नहीं है, इतना सेफ है ना, टूरिस्ट इतना है, यहाँ काम होने लगे तो फिर कोई नहीं आवेगा। कितना सुंदर व्यू है, लाइटें लाइटें, ताजे सितारे टमटमा रहे हो, ओह